दोस्तों, अगर आप एक बर्ड ब्रीडर हो और अगर आपके पास बजीज या कॉकटेल या लव बर्ड, इन बर्ड्स में से कोई एक बर्ड आपके घर में है, तो आपने कभी ये गौर किया होगा कि रात जब भी हो जाती है, जब भी रात का वक्त आ जाता है, तब ये बर्ड्स, इनका जो स्टिक है उस स्टिक पर नहीं रहते, वो केज के जो वॉल है, वॉल पर जो नेट होता है, उस नेट पर आके बैठ जाते हैं। मतलब बेसिकली केज के ऊपर लटकते रहते हैं अपने दोनों पंजों से, उन केज को अच्छे से पकड़ के, अपने चोंच के साथ भी कभी कभी उन नेट को पकड़ के रहते हैं और पूरी रात ऐसे ही रहते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं वो लोग ऐसा, क्यों रात होते ही ये सारे बर्ड ऐसे लटक जाते हैं? आप कितना भी कोशिश कर लो उन्हें हटाने की, वो शायद कभी हट जाए, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप फिर से आकर देखो तो फिर आपको वो फिर से लटकते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बर्ड ऐसा करते हैं? तो आज उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। और सबसे मज़ेदार बात है कि YouTube में इसके बारे में पहले कोई वीडियोस नहीं बनाई गई, तो मैं सबसे पहले इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को हमेशा शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों को इस बारे में पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, हम हमेशा बर्ड्स के लिए, उनके हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं, और साथ ही साथ बर्ड्स से रिलेटेड मज़ेदार फैक्ट्स और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में हम वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बर्डीज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो जो है, ये जो टॉपिक है, इस ये बहुत ही मतलब कम अप्रोच किया गया है इस टॉपिक पे। यूट्यूब में इससे पहले कोई वीडियोस नहीं बनाई गई, मेरा वीडियो सबसे पहले ये टॉपिक पर बन रहा है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है कि बर्ड्स आखिर रात के वक्त जब भी रात हो जाते हैं, खासकर स्पेशली बजीज तो ये करते ही है। अगर आपके पास बर्ड बजीज है तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि रात जब भी हो जाती है, सूरज जब ढलने लगता है शाम के वक्त से ही बर्ड्स धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, और उसके बाद उनका जो केज है, केज के ऊपर जो नेट होता है, उस वॉल के ऊपर वो लटक जाते हैं अपने इन नाखूनों से अच्छे से ग्रिप बनाकर, और कभी कभी अपने चोंच से भी उस नेट को पकड़कर वो पूरी रात वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। या आप शायद देखते होंगे, आपको लगता है कि वो बैठे रहते हैं लेकिन वो सो भी रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं बर्ड्स ऐसा? दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। ऐसे जनरली तीन कारण हैं जिसके वजह से ऐसा वो करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है सिक्योर फील करना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बर्ड्स है, ये भले ही अभी केज में रह रहे हो, लेकिन कई हजारों सालों से ये जंगल में रहते आए हैं, और उनकी तरह उनके अंदर एक मतलब इंस्टिंक्ट तैयार हो गया है कि जितना ऊंचा जगह होगा, जितनी ऊपर की, अगर आप पेड़ में किसी पेड़ पर देखोगे तो बर्ड्स कोशिश करते हैं कि जितना ऊपर हो सके उतने ऊपर के डाल पर, उतने ऊपर के टहनियों पर वो अपना घोंसला बनाए, ताकि वो नीचे से आने वाली किसी भी खतरे से बची रह सके। तो वही इंस्टिंक्ट अब भी इनमें काम करती है। वो सोचते हैं कि जितना ऊपर वो जा पाएंगे उतना ऊपर वो सेफ रह पाएंगे, नीचे अगर कोई खतरनाक अगर कोई प्रेडेटर्स आए तो उससे वो बची रह सकती है। ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा घबराते हैं जनरली चूहे से, या फिर कॉकरोचों से, या छिपकलियों से, इनसे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुत्ते बिल्ली अगर घर में हो तो वो और भी डरने वाली बात है इनके लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो हमेशा पेड़ के बिल्कुल ऊपर वाले डाली पर बैठना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो पेड़ की डाली नहीं है, यहाँ पर तो आपने एक स्टिक लगा कर रखा है केज के अंदर, तो उस स्टिक से भी वो ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लगता है उनका एवरेज के मतलब स्केल है, वो अगर एवरेज है उनके लिए तो उन्हें लगता है कि शायद कोई दूसरा प्रेडेटर भी उस एवरेज स्केल तक पहुंच सकता है। तो वो कोशिश करते हैं उस एवरेज स्केल यानी कि वो स्टिक से थोड़े ऊपर जाने का, तो वो जितना ऊपर हो सके तो उतना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि जो केज है जहाँ पर वो लटक रहे, वो रैंडमली इधर उधर लटके हुए ऐसा नहीं, वो हाईएस्ट पॉसिबल जगह पर एकदम जहाँ पर केज का एंड है, जहाँ पर केज का छत है, उसके ठीक नीचे तक
उनका सिर होगा मतलब बिल्कुल ऊपर तक, दीवार के एकदम ऊपर तक वो लटके रहेंगे, वो नीचे लटकते नहीं रहते, वो बिल्कुल ऊपर तक लटकते हैं ताकि वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच पाए। ये उनका इंस्टिंक्ट रहता है ताकि वो सबसे ऊपर वाली जगह पर रहे और उन्हें वो सेफ लगता है, वो उन्हें उस जगह पर सिक्योर फील करते, इसलिए वो बिल्कुल टॉप जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर पूरे केज में एक स्टिक के अलावा और कोई जगह नहीं जहाँ पर वो बैठ पाए, तो केज के नेट के ऊपर ही वो लटकते रहते हैं क्योंकि वो टॉप मोस्ट जगह है। और दोस्तों दूसरा रीज़न की आप बात करते हैं, दूसरा रीज़न है कम्फर्टनेस। आप शायद सोच रहे हो कि ये क्या बात है कम्फर्टनेस, मतलब आप जब जो स्टिक दे रहे हो उसके अंदर वहाँ पर वो बैठ कर सो सकते हैं। अब एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है दिमाग में कि आखिर बर्ड्स एक जगह पर चुपचाप बैठकर सोते कैसे बिना गिरे, पूरी रात अगर वो स्टिक पर बैठे रहेंगे तो वो गिरते नहीं है लेकिन सो रहे हैं, सोते वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर बैठकर सो जाते हैं लेकिन गिरते नहीं, ऐसा क्यों होता है वो मैं थोड़ी देर बाद में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कहाँ पर कम्फर्ट फील करते हैं। तो ऐसा अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये कौन सी बात हो गई कि बैठे रहना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इनके लिए लटक कर रहना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर उस कंफर्ट, हम जो जिसे कंफर्ट फील समझ रहे हैं उस कंफर्ट की बात मैं नहीं कर रहा, बर्ड्स का कम्फर्टनेस कुछ अलग सा है। आप देखोगे कि जब ये बर्ड्स किसी टहनी पर बैठ रहे, अगर वो टहन जिस स्टिक पर वो बैठ रहे हो स्टिक अगर बहुत ज़्यादा पतला हो, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा मोटा नहीं है स्टिक, अगर थोड़ा ज़्यादा पतला है तो वहाँ पर ग्रिप करने में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उस ग्रिप को पकड़ने। तो जब वो ग्रिप को पकड़ रहे, उस स्टिक को पकड़ रहे अपने पैरों से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जिससे क्या होता है उन्हें मतलब कुछ देर बाद उनके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है वो वैसे सो नहीं पाते, इसलिए वो केज पर लटकते रहते हैं। क्योंकि केज का जो ये है जहाँ पर वो लटकते हैं, आप देखोगे कि जो केज का होल है वहाँ पर ऐसे करके इतना करीब गैप बनाकर ऐसे पकड़ते हैं, वो बिल्कुल ऐसे पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशर नहीं देना पड़ रहा, जिसकी वजह से वो पैरों में थोड़ा आराम लगता है उन्हें कंपेयर टू वो स्टिक। ऐसा बिल्कुल 100% नहीं है कि लटकते रहने से उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा आराम उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन जो स्टिक है उस पर बैठने से ज़्यादा कंफर्टेबल थोड़ा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर वो ठीक यहाँ पर स्टिक पर बैठते हैं तो उन्हें वो ज़्यादा मतलब पैर में दर्द हो रहा है ज़्यादा, अगर उससे अगर उन्हें वो लटकते रहते हैं केज में उससे पैर में दर्द थोड़ा कम होता है तो ऑब्वियसली वो नेट पर लटकते ही रहेंगे पूरी रात और वैसे ही सोएंगे। लेकिन यहाँ पर भी मज़ेदार बात है, वो एक्चुअल में ही वैसे लटकते हुए भी सो सकते हैं, वो गिरेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों होता है मैं आप वो बता दूँ। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो पैर है, आप देखोगे कि हमारा जो पैर, मान लीजिए अगर हमारा पैर है इंसानों का, तो हमारा घुटना जब हम फोल्ड करते हैं पैर, तो अगर ये घुटना है तो वो सामने की तरफ बेंड होता है, जब आप पैर बेंड करते हो तो ये घुटना सामने की तरफ बेंड होता है, बर्ड्स का ठीक उल्टा होता है, उनका घुटना पीछे की तरफ बेंड होता है। हमारे पैर में लीगामेंट नाम का एक तरह का एक पार्ट है जो एक रस्सी की तरह एक मतलब रबर बैंड होता है जैसा है, उसकी तरह काम करता है, पैर को स्ट्रेच करने में मदद करता है। वैसे ही बर्ड्स के पैर में ही उस लीगामेंट के जैसा ही एक फाइबर एक होता है जिसका नाम है फ्लेक्सर टेंडन। ये फ्लेक्सर टेंडन जो है वो इनके पैर में उनके बॉडी से निकलकर एकदम घुटनों तक, घुटनों से लेकर उनके पैर के नाखूनों तक, एकदम नाखूनों तक वो फ्लेक्सर टेंडन बंधे हुए हैं। तो जब वो ऐसे, आप देख रहे हो तस्वीर में कि जब वो ऐसे खड़े हैं, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पर है तो फ्लेक्सर टेंडन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा, वो लूज पोजीशन पर है फ्लेक्सर टेंडन, जिससे क्या होता है उनका जो नाखून है, जो उनके जो उंगलियाँ है वो भी रिलैक्स मोड पर है, वो एकदम फैले हुए हैं। लेकिन जब वो बैठ जाएंगे, जब उनका पैर मतलब फोल्ड हो जाएगा, तब क्या होता है वो घुटना फोल्ड होने की वजह से फ्लेक्सर टेंडन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। तो फ्लेक्सर टेंडन पर जब प्रेशर पड़ता है तो अपने आप से उनके जो उंगलियां है वो ऐसे सिकुड़कर एकदम लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अगर वो
ऊपर ना उठे, अगर वो बैठने के पोजीशन से अगर ऊपर ना उठे तो वो उंगलियां बिल्कुल उसी लॉक पोजीशन पर ही रहेगी, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो वो गिरेंगे नहीं। तो उसी दोनों पैर से अगर वो एक पोजीशन पर लॉक हो जाए तो वो सोते हुए भी वहाँ पर बैठे रह सकते, वो गिरेंगे नहीं क्योंकि वो उनके जो पैर है वो बिल्कुल लॉक हो चुके हैं। तो वो उनके रिफ्लेक्स में ही आ चुका है कि जब वो बैठ जाते उनका ये जो उंगलियां है ये बिल्कुल लॉक पोजीशन में आ जाता है जिससे वो गिरते नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया मज़ेदार बर्ड है, ये हर बर्ड के लिए ही करीब करीब एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से बर्ड बैठे बैठे ही सो सकते और उनको गिरने का कोई डर नहीं रहता। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे जो बर्ड्स है, ये जो स्टिक है, ये स्टिक आप अगर अच्छे से देख सकते हो तो ये जो स्टिक है मैंने जो यहाँ पर दिया है, ये स्टिक मतलब आप जो रेगुलर स्टिक अपने केज में दे रहे हो उससे थोड़ा मोटा है ये स्टिक। तो इसकी वजह से ये बर्ड्स केज के मेरे कोई भी बर्ड्स कॉलोनी में कि कभी भी रात को केज से नहीं लटकते, ये इन स्टिक पर ही पूरी रात बिता देते हैं। तो ऐसा उन्हें यहाँ पर कंफर्ट लगता है इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगर वो इतना अगर ये थोड़ा मोटा स्टिक होगा तो जब आप रात के वक्त जब बैठेंगे उनका पैर जब ऐसे ग्रिप हो जाएगा तो इस थोड़े मोटे स्टिक पर ये ग्रिप बहुत बढ़िया बनता है, उनको पैर को ज़्यादा सिकुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैर जब लॉक भी हो जाता है तब भी उनके पैर में ज़्यादा दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से इस थोड़े मोटे स्टिक पर उनको आराम मिलता है जिसकी वजह से उन्हें लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर हो सके थोड़ा मोटा स्टिक अगर आप इस्तेमाल कर पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उस जो वहाँ पर बर्ड्स लटक रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ कुछ तो दिक्कत की बात है तो वो भी मैं बताऊँगा। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है कि बर्ड्स वहाँ पर लटकते क्यों हैं कभी कभी, तो वो इसलिए होता है कि वो ये जो बर्ड्स हैं हमारे जो ये सारे बर्ड्स हैं बजीज पैराकेट या कॉकटेल या फिर लव बर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं ये दिन में बिल्कुल साफ देख पाते हैं, लाइट में बहुत ज़्यादा साफ देख पाते हैं, लेकिन रात के वक्त इनकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, रात के वक्त ये बहुत ठीक से नहीं देख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है ये थोड़ा डरते हैं कि अगर अभी कोई हमलावर कोई चीज़ उन पर हमला कर दे, अगर कोई प्रेडेटर हमला कर दे तब क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा वो करते हैं कि वो केज के नेट पर लटकते रहते हैं ये देखने के लिए कि बाहर केज के बाहर क्या चल रहा है, केज के बाहर जितना हो सके जितनी लाइट है जितनी उनका आई का पावर है जितनी उन्हें विजिबिलिटी मिल रही है उसमें ही वो देखना चाहते हैं कि बाहर कोई शिकारी कोई दूसरा प्राणी तो नहीं है, तो वो देखना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत बर्ड्स ऐसे लटकते रहते हैं। और इनका जो नींद है ये बहुत पतला होता है, थोड़े से छोटे से साउंड से ही इनका नींद टूट जाता है और ये बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं आसपास क्या है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये ऐसे लटकते क्यों। अब इन सब के बावजूद भी इस लटकने का कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वो क्या है वो अब मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट के बारे में कि ऐसे लटकने से बर्ड्स को कौन सी तकलीफें हो सकती है। दोस्तों पहली बात ज़्यादा कुछ तकलीफ की बात नहीं है, अगर आपके बर्ड्स ऐसे कंफर्ट फील कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर अपने केज में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते तो दिक्कत की बात नहीं है, बर्ड्स ऐसा करते हैं उनमें ये कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर होती होगी बर्ड्स को क्योंकि पूरी रात ऐसे नेट पर अपने पंजे गड़ा कर ऐसे रहना वो होना हो थोड़ी तो दिक्कत की बात ज़रूर है, उनके पैर में थोड़ा तो दुखता ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि वो जिस चीज़ से बचने के लिए ऐसा करते हैं वही सबसे बड़े प्रॉब्लम बन जाता है, वो शिकारियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं और शिकार आ रहा है या नहीं ऐसा देखने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे लटकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि इसी कारण की वजह से वो खुद शिकार हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा शिकार मतलब शिकारी जो होता है हमारे घर में जनरली वो है चूहे। दोस्तों चूहों के पैरों में एक तरह का पैड होता है जिस जो करीब साउंड एब्जॉर्बेंट का काम करता है, चूहे जब भागते हैं तो ज़्यादा साउंड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि चूहे कभी कभी रात के वक्त अगर इधर उधर भागे या केज के नज़दीक भी आ जाए तब भी बर्ड्स सुन नहीं पाते समझ नहीं पाते कि चूहे उनके करीब आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि चूहे नेट के ऊपर चढ़कर वो जो पैर वो लटक मतलब बर्ड्स का जो पैर है बाहर वो नेट पर उन्होंने रखा है उस पैर को काट लेते हैं चूहे, जिससे कभी कभी पैरों में डैमेज हो जाता है बहुत मतलब चोट का निशान आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि हाँ कि एक पैर बिल्कुल उखाड़ के ले गया चूहे ने
और आप देखे हो कि अगले दिन बर्ड या तो मरा पड़ा हुआ है या फिर पैरों से खून निकल रहा है, आप चेक करने जाओगे तो एक पैर मिसिंग है। तो ऐसा भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसे केस के बारे में मैंने सुना है। मतलब लकीली मेरे यहाँ पर कोई चूहों का समस्या नहीं है, चूहों के अलावा भी ये छिपकली या कॉकरोच से भी डर जाते हैं। तो आप जितना हो सके इन सारी चीज़ों से अपने केज को बचा कर रखिएगा, क्योंकि अगर बर्ड्स ने इनको देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, इससे उनके ब्रीडिंग पर भी असर पड़ता है। तो जितना हो सके अपने बर्ड्स को इन सारी चीज़ों के दूर रखिएगा। अगर आपके घर में चूहों की समस्या है तो जल्द से जल्द उससे निपटने की कोशिश कीजिए। आप चूहे पकड़ने की केजेस जो है, जो ट्रैप्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, चूहों को पकड़ के घर के बाहर फेंक सकते हो। लेकिन कुछ भी करके आपको अपने बर्ड केज को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर चूहे, छिपकली या कॉकरोच ऐसे ना मिलते हो, तो आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, वो केज पर लटकने पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और दोस्तों, गर्मियों के वक्त हमें कौन से वेजिटेबल्स देने चाहिए बर्ड्स को, कौन से फूड प्रोवाइड करने चाहिए, उसके बारे में मेरा एक वीडियो है, वो भी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हीट स्ट्रोक के बारे में जानना है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा सबसे खतरनाक चीज़ है गर्मियों में, तो हीट स्ट्रोक क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है और इलाज कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो है मेरा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। आप डीवॉर्मिंग के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी मेरा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो आप चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, वो नहीं जानते, तो उन्हें इन्हें इस चीज़ के बारे में जानने का मौका दीजिए। तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, हम हमेशा बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने को लेकर और उनके बारे में कई सारे मज़ेदार फैक्ट्स को लेकर हम हमेशा हर हफ्ते वीडियोस बनाते रहते और आपके सामने पेश करते रहते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए और हमारे हैप्पी बर्ड्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।